हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये एरोहेड पाइन गोल्ड एल्यूशन प्लांट है। ये प्लांट सिंगोनियम की एक वैरायटी में से एक वैरायटी है, सिंगोनियम गोल्ड एल्यूशन प्लांट। इस प्लांट का बोटेनिकल नेम सिंगोनियम पोडोफाइलम गोल्ड एल्यूशन है। ये एरिसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी सिंगोनियम की वैरायटी की तरह ये वाइन होती है। इसके पत्ते, इसे एरोहेड कहते हैं। ये बिल्कुल नुकीले शेप के होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट सिंगोनियम की सारी वैरायटीज़ की तरह ये भी है, बस इसके प्लांट का कलर और अलग है। ये गोल्डन येलो कलर का की पत्तियाँ इसकी होती हैं, और इसकी पत्तियों की वेंस जो होती हैं वो डार्क पिंक कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं। इसमें तो थोड़ा सा पत्तियों के कलर गर्मी की वजह से कम है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तो बहुत गर्म पड़ रहा था, तो सर्दियों में इसके कलर काफ़ी अच्छे से निकल के आए थे। तो फ्रेंड्स, ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। सिंगोनियम का प्लांट ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। इसकी सारी वेराइटीज़ बहुत इजीली ग्रो होती है, इसे बहुत केयर नहीं करने की ज़रूरत होती है, और ग्रो करती रहती है। जल्दी ख़राब भी नहीं होता है पौधा, अगर सही से इसको थोड़ा सा इसे धूप से बचा के रखा जाए तो। ये एक इंडोर प्लांट होता है, ये छाए में रखने वाला पौधा है। धूप में इसकी पत्तियां ख़राब जाती हैं। गर्मियों में तो बिल्कुल भी धूप में नहीं रख सकते। सर्दी में तो हल्की धूप मिलती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो कराता है, बल्कि इसके कलर बहुत ही खूबसूरत निकल के आते हैं। फ्रेंड्स, ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे मिट्टी इसकी जब सॉइल बनाएं तो एक नॉर्मल मिक्सचर तैयार करें, जो जिसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी मिली हो, सैंड मिला हो और गार्डन सॉइल भी हो, कोकोपीट हो तो और भी अच्छा है। कि क्योंकि ये मॉइस्ट नेचर का पौधा होता है, अगर जिसको पानी मिलता रहता है तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी मिट्टी की बात कि सॉइल इसका कैसा रहना चाहिए, और इसको पानी दे ज़्यादा चाहिए होता है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, धूप बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट अगर मिलती रहती है तो पत्तियों के कलर बहुत खूबसूरत होते हैं। और अगर इंडोर में भी रखें तो भी अच्छे से चलता है। अगर छाए में रहे, धूप बिल्कुल भी ना मिले, तो भी प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, बल्कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो अलग वैरायटी है, ये गोल्ड एल्यूशन है। तो इसमें जो है इसका कलर लाइट गोल्डन कलर का होता है, और लाइट ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां होती हैं, जो इसकी वेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसमें धारी बनी होती है पत्तियों में रेड कलर की, और उस पर वाइट शेड होता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये प्लांट मुझे मेरे ऑफिस में मुझे मिल गया था, तो मैं वहाँ से बहुत छोटी सी कटिंग दे के आई थी। और ये देखिए, एक बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये 7-8 महीने में ये प्लांट कितना बड़ा हो गया। ये बहुत ज़्यादा तेज़ फैलने वाला पौधा है, जबकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया है। अगर कायदे से इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र मंथली दिया जाए तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इसे अच्छी ग्रोथ के लिए महीने में एक बार फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, तो प्लांट अच्छा ग्रो करता है। और ये प्लांट इतना ज़्यादा घना हो गया है एक छोटे से पॉट में, कि मैं अब इसे चेंज करना चाहती हूँ, और मैं इसे एक बड़े से पॉट में लगाने वाली हूँ। बल्कि इसको मैं दो भाग में करके लगाऊँगी, दो पॉट में, ताकि जो है ये अच्छे से ग्रो करे और दो प्लांट भी बन जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आप लोगों को मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।